पर तानाशाही सरकार को हटाना चाहते हैं। जो लोग चुनाव से पहले कुछ समझते थे, अब सब लोग जो है धीरे धीरे उंगली चबाने का काम कर रहे हैं। और हमारी सरकार थी महागठबंधन की, तो आरक्षण किसका किसका बढ़ा? पहले तो आरक्षण ही का विरोध कर रहे थे कि आरक्षण क्यों बढ़ा रहा है। कुर्मा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। माइक थोड़ा नीचे करिए आप लोग। इस बार तानाशाही सरकार को हटाना चाहते हैं। और जो कल का जो चुनाव हुआ, दूसरा चरण था, उसपे हम लोग जो है बहुत ही अच्छे पोजीशन पे। जो लोग चुनाव से पहले कुछ समझते थे, अब सब लोग जो है धीरे धीरे उंगली चबाने का काम कर रहे हैं। तो हम लोग पूरे तरीके से एकदम कॉन्फिडेंट है कि 4 जून को इंडिया की सरकार। लालू जी के बयान के बाद प्रधानमंत्री अब लालू जी पर अटैकिंग हो गए हैं कि आप लोग जो है आरक्षण छीन लेंगे। दिन भर तो हम ही लोग को बोलते रहते हैं। आप देखिए ना, लगातार हमको भी दूसरे राज्य में जाकर के ये घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। और हमने तो पहले बोला पीरजादे हैं, कुछ भी कह सकते हैं, केवल झूठ झूठ बोलते रहते हैं। अब तक हम लोगों ने जो आरक्षण बढ़ाया जाति आधारित गिनना कराने के बाद, 9वीं सूची में डालने के लिए कैबिनेट ने हम लोगों ने भेजा था, अब तक जो है 9वीं सूची में वो उन्होंने किया नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसमें OBC का, EBC का, SC का, ST का, सब लोगों का आरक्षण हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया। और देश भर में सबसे ज़्यादा गए थे तो 75% का आरक्षण बिहार में दिया गया, तो उस पर तो चुप्पी साधे हुए रहते हैं। और यही जब जाति आधारित गिनना हम लोग करा रहे थे, सॉलिटर जनरल को खड़ा करके उसका सुप्रीम कोर्ट में विरोध करा रहे थे। एफिडेविट में भी आप लोगों ने देखा था जो उन लोगों ने दायर किया था। तो इन लोगों करनी या कथनी में भारी अंतर। प्रधानमंत्री जी धर्मशास्त्र सिखाता है, धर्म के साथ साथ कर्म की भी बातें करते हैं। थोड़ा कर्म की बात है, 10 साल आपने क्या कर लिया उसके बारे में भी थोड़ा बता दे। कैसी लालू जी, कभी मुस्लिम आरक्षण की बात करते हैं, कभी कहते हैं सामाजिक आधार पर दिया जाना चाहिए, आखिर राजद का स्टैंड क्या है आरक्षण पर? आप लोगों को समझ में ही नहीं आता है, एकदम पूरे घुसाए। ये जो भी पिछड़ा पान सामाजिक तौर पे जो भी जाति आती चाहे सबको आरक्षण जो है कर्पूरी ठाकुर जी ने पहले से ही दिया हुआ है। अलग क्या है? और आप सब लोगों को समझना चाहिए, ये जो संविधान जो खत्म करना चाह रहे प्रधानमंत्री, ये लोग जो लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं, जरा उससे तो सवाल पूछो। 9वीं सूची में आपने क्यों नहीं डाला जो हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया? और हमारी सरकार थी महागठबंधन की, तो आरक्षण किसका किसका बढ़ा? पहले तो आरक्षण ही का विरोध कर रहे थे कि आरक्षण क्यों बढ़ा रहा है, पहले इस पे जवाब देना। मोदी जी के रोड शो से क्या होगा? नौकरी के एजेंडे में रोड पे ले आया प्रधानमंत्री जी को, जरा जाके माइक है तो पूछिएगा कि भैया पटना यूनिवर्सिटी को अब तक केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा क्यों नहीं दिया? ठीक, चलिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।